उसमें कुछ कारीगरी करके अभी वॉल में चिपका दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेमोरीज विंटेज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग एक इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो इस ब्लॉग को पूरा देखिए एंड तक। तो फिलहाल अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सुबह तो चाय वाय पी लिए थे, तो आज है चिंगड़ी माछ, तो मेरा फेवरेट है चिंगड़ी। तो कल भी थोड़ा सा फ्राई करके मैं खाई थी, हम दोनों ने, जनाब ने भी, मैंने भी, तो थोड़ा सा और रख दिए थे। तो लाइट करके एक झोल बनाऊंगी चिंगड़ी का, और राइस भी बनाना है। और बंधा गोभी फ्राई मैं कल की करके रखी थी, तो वो थोड़ा सा है अभी, तो फटाफट से अभी चिंगड़ी बना लेती हूँ। और बहुत सारा काम भी है, तो मैं जो पर्दा है तो सब खोल के रख के वॉशिंग मशीन में डाल चुकी हूँ, तो वो धोने के लिए अभी दूंगी। और यहाँ पे मैं खाना भी बनाऊंगी। तो एक बैंगन था तो मैंने इसको भी फ्राई कर लिए, तो थोड़ा सा ही चिंगड़ी यहाँ पे बचा हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे मैं जीरा और मिर्ची फोरन में दे दिया हूँ, और थोड़ा सा मैं अदरक और जीरा यहाँ पे पेस्ट करके रखी हूँ, तो ये भी दे देती हूँ। और थोड़ा सा हल्दी भी देना होगा, नमक तो स्वाद अनुसार आप लोग लोगे। तो यहाँ पे मसाला को थोड़ा सा कसने को लिए दे देती हूँ। तो मैं तो पर्दा सब धो लिए यहाँ पे, ये देखो सारा पर्दा खोल के मैं अभी सुखाने के लिए दे दिया हूँ। आज धूप भी निकला तो सूख भी जाएगा फटाफट से। और मिरर जो है उसको भी थोड़ा सा कॉलिन से पोस दूंगी। अभी फिलहाल सब पर्दा वर्दा बाहर मेल के आए, और मेरा यहाँ पे मसला भी कस चुका है, तो उसमें अभी पानी भी दूंगी, तो बन जाएगा फटाफट से। और जनाब काम कर रहे हैं अभी, तो उसको भी बोलती हूँ फ्रेश हो लो थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे होते होते उनका भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं अभी ये उसका अभी पानी दे रही हूँ इसमें। यहाँ पे मसला भी कस चुका है, तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी दे दूंगी। तो चिंगड़ी माछ खाई थे कार कार भालो लगे कौन तो देखी कॉमेंटे, मतलब क्या है चिंगड़ी माछ प्रॉन, आप लोग किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइए। तो इस टाइप का प्लेन टाइप का झोल मैं बहुत दिन बाद बनाए, तो अच्छा लगेगा शायद जनाब को भी और मुझे भी। तो मैं इसमें ये चिंगड़ी अभी डाल देती हूँ, तो बन भी जाएगा फटाफट से, ये इजी प्रोसेस भी है, आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं ये इजी प्रोसेस ट्राई किया और फटाफट से चिंगड़ी का झोल भी बना दिए। और यहाँ पे ये विंडो का जो मिरर है, तो उसको कॉलिन से थोड़ा सा साफ कर लेते तो क्लीन हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको भी साफ कर देती हूँ, और पर्दा सूख जाएगा तो वो इसमें टांग दूंगी फिर। और सोच रही हूँ मैं कि मेरा जो उस दिन आप लोगों को दिखाया था ना, वो वॉल डेकोरेशन सब जो मैंने बनाई थी, तो साइड वाले वॉल पे थोड़ा सा अभी भी जगह है, और बहुत सारा वॉल भी जगह है। तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि कोई क्राफ्ट DIY कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक बना के रखी हूँ पीच बोर्ड से, तो उसमें कुछ कारीगरी करके अभी वॉल में चिपका दूंगी। तो ये देखो, ये मैं पीच बोर्ड से इस टाइप का फ्रेम बनाए हैं, तो मुझे बहुत दिन पहले ये दो मैं बना के रखी थी, तो मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा अंदर कुछ डिज़ाइन वगैरह करके। तो ये गोल्डन पेपर भी मैं खरीद के लाई थी तब, तो नहीं बनाया, टाइम भी नहीं मिला इसलिए ये। तो हम लोग अभी लंच करेंगे, तो ये देखो राइस बैगन फ्राई है, ये बंधा गोभी फ्राई है, और ये है चिंगड़ी माछ का लाइट करके मैं झोल बनाई हूँ। तो अभी लंच के लिए हो भी जाएगा हम दोनों के लिए। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये देख के, मुझे तो प्रॉन बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को अच्छा लगता है, कोई किन किन को अच्छा लगता है कमेंट करके बताइए। फिर लंच करने के बाद मैं ये DIY क्राफ्ट लेके बैठ गई हूँ, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे एक पत्ता का डिज़ाइन बनाई हूँ, तो सोच रही हूँ ये काट के यहाँ पे चिपका दूँ। और देखते हैं कि YouTube में मैं बहुत सारा वीडियो भी देखा, तो मुझे ये पसंद आई, ये लीव अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये लीव मैं इस टाइप का बनाई हूँ। और भी एक ये पत्ता मैं बनाई हूँ, देखते हैं आगे जाके डिज़ाइन कैसा लगेगा। और शाम को थोड़ा घूमने भी निकलेंगे अभी हम लोग, तो देखते हैं। तो थोड़ा शाम को हम लोग
इतना म्यूजिक। तो थोड़ा शाम को हम लोग निकले और एक्सिस मॉल के इधर थोड़ा सा घूमने के लिए आए, चाय वाय मोमो खाए आज। और यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे ये देखो पीछे बाजार कोलकाता, तो यहाँ पे बाजार कोलकाता ओपनिंग हो रहा है। अच्छा ही है, बाजार कोलकाता में भी शॉपिंग हो जाएगा। तो अभी सब लगता है पूजा से पहले ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो पीछे बाजार कोलकाता, और ये एक्सिस मॉल के 3rd फ्लोर पे हो रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो, अच्छा ही है। ये देखो काम हो रहा है अभी कोलकाता, तो निकलो यहाँ से अभी। और अभी रात भी हो चुकी है, तो हम लोग अभी यहाँ से डायरेक्ट घर ही जाएंगे। तो बहुत गर्मी था इसलिए हम लोग ये पेप्सी ले लिए। पेप्सी मैं लिया हूँ लीची और ये ऑरेंज। लीची का टेस्ट बहुत बुरा है, लीची, हाँ लीची फ्लेवर है लेकिन लीची स्वाद ही नहीं आ रहा है। ऑरेंज पहले खाए थे, ऑरेंज अच्छा ही है। तो बहुत गर्मी लग रही है इसलिए सोचा कि थोड़ा सा ठंडा खा लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। अभी हम लोग घूम बाम के चले आए मॉल से घूम के, और मैं दोपहर को ही ये सब बना रही थी जो आर्ट एंड क्राफ्ट आपको दिखाया था। तो थोड़ा कंप्लीट तो हो गया था, तो आप लोगों को शायद वो शेयर नहीं किए, तो आपको दिखाती हूँ कंप्लीट होने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखो वो इसका फाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये मेरा DIY आर्ट एंड क्राफ्ट आपको कैसा लगा। तो मैं कुछ सिंपल सा इसमें एक ऐसा किया और ये सनफ्लावर के जैसा थोड़ा लग रहा है, तो अच्छा मुझे तो लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। तो मुझे लगता है कि इस दीवार पे लगाने से भी अच्छा रहेगा, इस दीवार खाली है पूरा। और ये तो हम लोग हस्तशिल्प मेला से खरीदे थे, ये मिट्टी में कलर था, मिट्टी था, मैंने मिट्टी का कलर से बना था। तो मैं इसमें कलर किए थे, तो एक में येलो किए थे, एक में ये स्काई वाला कलर किए थे। तो ये तो यहाँ पे दो लटका दिया है, और ये तो मैं सोच रही हूँ इस दीवार पे लगाने से ही अच्छा रहता है, बैठ के बात भी करती हूँ तो बैकग्राउंड अच्छा रखना चाहिए। तो ये लगा देने से थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो इस दीवार पे मैं सोच रही हूँ लगा दूँ। और आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं, अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे और डिनर विनर भी करेंगे। तो इस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरा DIY आर्ट एंड क्राफ्ट आपको कैसा लगा। और भी बहुत सारा मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करूँगी, आप लोग अगर बोलो तो मैं बहुत इसमें मुझे बहुत शौक़ है ये DIY करना। तो जनाब भी मुझे कभी कभी हेल्प कर देता है, ये तो बहुत ही जनाब को भी पसंद है, जनाब को भी आर्ट फाट ये सब पसंद है, जनाब मुझे ये सब खरीद के देता है, मैं बनाती हूँ। तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।